अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट बाग अली बलोच एडवांस फार्मिंग टीवी यूट्यूब चैनल से। नाज़रीन, मुंजी के सीज़न में दोस्तों के बहुत सारे मैसेज आए कि वीडियोज़ नहीं आ रही। असल में मेरी एक आदत है, जब तक खेत तैयार नहीं होते तब तक मैं वीडियो नहीं देता। 1847 की तो खैर मैंने मार्च में लगाया था, जून में कटाई की थी, दोस्तों को सीड भी दिया था, उसकी वीडियोज़ इसी चैनल पे मौजूद है, आप दे सकते हैं 1692 की भी सब की। अब जो बारी आ चुकी है वो आ चुकी है 11-21 का, जो अल्टरनेट कामयाब अल्टरनेट आया है 1885 और 1886। क्योंकि हम बातों में हवाओं में 100 मन 200 मन निकाल के आपको नहीं देते जिस तरह के दूसरे चैनल करते हैं, हम आपको सामने दिखाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ये खेत अभी भी कुछ टाइम लेता है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ सिट्टे तैयार हैं, कुछ अभी ज़्यादातर ग्रीन हैं, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथों के ऊपर। चावल भी काफ़ी तादाद में है माशाल्लाह, इंतहाई सेहतमंद इसकी मुंजर है, और कोई कलर नहीं, कोई धब्बा नहीं, कोई बीमारी नहीं, सिट्टा भी बेहतरीन है। तो माशाल्लाह आप इसकी लेंथ देख सकते हैं, वज़नी ये काफ़ी ज़्यादा है। अब नाज़रीन ये है 1885 जो कि 11-21 की न्यू लाइन है, जो कि आगे कहा जा सकता है कि पाकिस्तान इंडिया में 11-21 की जो है वो उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट 1885 ही करेगा। खेत आप इसका देख रहे हैं मेरे पीछे, इंतहाई थिक, बड़ा ज़बरदस्त। थोड़ी सी गलती मेरे बड़े भाई से हुई है, यूरिया लगा दिया, ज़्यादा लगा दिया, उसकी वजह से ग्रोथ थोड़ी, हाइट इसकी इतनी नहीं है, आप इससे एक गिट कम लगा लें, ये यूरिया ज़्यादा लगाने की वजह से हुई है। लेकिन उसके बावजूद इसका एक तजर्बा भी हो गया माशाल्लाह, भाई ने जो गलती की है वो हमारे लिए प्लस पॉइंट बन गई। कैसे, ये आप अपने पीछे देखें जी, तायराना सी एक नज़र लगवा, ये कायनात है नाजरीन, आप इसको देख सकते हैं। क्लोज करके थोड़ा दिखा भी किस तरह से गिरा हुआ, ये एक दिन पहले या दो दिन पहले जो आंधी और तूफान आया है आपके सामने रात को, जिसमें ओले भी पड़े हैं, उसमें ये सारा 11-21 गिर गया है। उसकी हालत ये है कि टोटल का टोटल ज़मीन बोस हो गया, अगर पूरा खेत दिखाए कैमरामैन आपको चारों तरफ घुमा के। और इसी के साथ ये वसीम साहब खड़े हैं, भाई अजमल खड़े हैं, ये आगे लंबा दिखा भी, कोई पौधा आपको नज़र आ जाए अपनी पिछले वाली साइड पे भी हल्का सा नज़ारा करवा दे, दोनों साइडों पे हल्का सा घुमा दे। और अगर देखें आप नाजरीन के इसका 1885 का कोई पौधा नहीं गिरा, तो ये तो इसकी पहली कामयाबी है जो आपके लिए बहुत अहम है। आप देख सकते हैं कि 1885 ने इसके लिए अपने आप को अप्रूव किया है। अब बारी आ जाती है नाजरीन मुंजर की, तो आप मुंजर भी देख सकते हैं, अगर कैमरा में नज़दीक करे तो मुंजर भी इंतहाई शानदार है इसकी, यानी जिस पे हम आते हैं कि मार्केट में हमें वज़न कितना मिलेगा। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हम जो आइडिया लगा रहे हैं वो 70-80 लगा रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले, ज़्यादा हो जाए, लेकिन इससे कम होने के चांसेस नहीं हैं। दूसरी बात आ जाती है इसकी टिलरिंग पे, तो मैं वसीम साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एक पौधा इसकी काउंटिंग कर दें, पौधे सारे आपके सामने नीचे बैठ के भाई एक 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 गिनती करना है, 51-52-53-54-55-56-57-58-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-6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 5-56-57-58-59-60-61-62-63-
इसलिए आपको दूर से
दिखाया कि आप ये ना समझे कि दो पौधे काउंट कर दिए हैं। तो माशाल्लाह कुल मिला के इसका हर लिहाज से बेहतर है। कद आप देख सकते हैं यूरिया की वजह से बड़ा होने के बावजूद इसने अब गिरा नहीं है किसी लिहाज से। तो कद अगर छोटा बड़ा को थोड़ा बहुत फर्क आ भी जाए, इतना बड़ा भी नहीं है कि आप समझे अलकालत की तरह बड़ा है या वो 17-18 की तरह बड़ा है, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन इससे थोड़ा कम हो सकता था अगर इसको यूरिया कम डाली जाती। यूरिया भाई ने ज़्यादा डाल दी, कोई मसला नहीं, डर जो था वो भी निकल गया। माशाल्लाह आंधी और तूफान आप देख सकते हैं वो सारा ये बर्दाश्त कर गया है, उसमें इसने अपने आप को नुकसान नहीं किया। इंशाल्लाह अज़ीज़ इस साल नवाब फार्म दोस्तों के लिए इसका सीड भी ला रहा है, तो इंशाल्लाह जो दोस्त चाहेंगे उनको ज़रूर उनकी खिदमत की जाएगी। 1885 1886 1886 की भी वीडियो इसी पे आप देख सकते हैं, PB7 की भी देख सकते हैं, अपना 1847 1979 1985 1692 सब इस पे मौजूद हैं, क्योंकि मेरा वर्क ज़्यादातर इंडियन वराइटीज़ पे है। तो इंशाल्लाह मैं जो चाहता था वो मैंने आपको दिखा दिया है। इसकी परफॉर्मेंस 11-21 के साथ मैच करके दिखा दी है कि 11-21 के। अब मर्जों की बात करें तो वो जो 11-21 को है वो इसको नहीं है। आपने देख ली मुंजर इसकी सेहतमंद है, हर चीज़ इसकी सेहतमंद है। माशाल्लाह ये एक परफेक्ट खेत है। बकाया फैसला आपका है कि आपने नेक्स्ट ईयर क्या लगाना है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसानों को शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।